मैम हम स्टार्ट में हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसमें से एक और न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इसमें खास बात यह है, इसमें जो तुम्हारा क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ना तो हॉलो है ना तो सॉलिड है, इसमें जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है वो है रेक्टेंगल सेक्शन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ए स्टील कॉलम हैज़ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन 48 mm क्रॉस 72 mm एंड इज 1.5 मीटर लॉन्ग। द कॉलम इज फिक्स्ड एट लोअर एंड एंड फ्री एट द टॉप एंड। एट व्हाट एक्सियल लोड अप्लाइड एट द टॉप वुड द कॉलम हैव फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 अगेंस्ट बकलिंग। ई इक्वल टू 210 GPa। चलो गीवन को हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या हमको गीवन है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसका, 48 mm क्रॉस 72 mm। लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, मतलब 1.5 × 10³ mm। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 3 और ई का वैल्यू दिया हुआ है 210 GPa, मीन्स 210 × 10³ MPa, इतना हमको गिवन है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है एंड कंडीशन दिया हुआ है, क्या है इसमें, वन एंड है इसमें फिक्स्ड और अदर क्या है, अदर एंड है इसमें फ्री। तो इसके इसके लिए एल ई का वैल्यू क्या हो जाता है, 2 × L, तो हो जाएगा 2 × 1.5 × 10³ mm, तो ये हो जाएगा 3 × 10³ mm इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, हम क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। जो हमको क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन हमको दिया हुआ है 48 और ये दिया हुआ है 72। अब हमको क्या निकालना है, क्रॉस सेक्शन क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालना है। ओके, अब हमको क्या निकालते हैं, सबसे पहले बकलिंग और क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या होता है बकलिंग लोड, क्या होता है बकलिंग या क्रिपलिंग लोड, PCR। तो ये क्या होता है, PCR इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल ई का स्क्वायर। अब इसमें जो आई मिनिम है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन दिया है, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, आई एक्स एक्स निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और आई वाई वाई निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। इसमें से जो मिनिमम रहेगा, ये दोनों में से जो मिनिमम रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, आई मिनिमम, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम आई एक्स एक्स निकालते हैं। आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा इस केस में, ये है हमारा 48 है और ये है हमारा 72। हमको निकालना है एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होगा, ये होता है हमारा डी डेप्थ। तो जिसमें एक्सिस काटता है उसका क्यूब आता है, ये ट्रिक है हमको याद रखने का, तो ये हो जाएगा BDQ/12। ये रेक्टेंगल सेक्शन के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होता है, तो इसको निकालते हैं क्या आएगा, आई एक्स एक्स, तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, 48 है और डी का वैल्यू है 72। तो ये 48 × 72³/12 ये हो गया हमारा आई एक्स एक्स। ऐसे ही हम आई वाई वाई निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस के लिए निकाल लेते हैं, ये हमारा 48 है, ये हमारा 72 है। वाई एक्सिस के लिए ये हो गया वाई एक्सिस, इस केस में हमारा आई वाई वाई क्या आएगा,
इसमें क्या है, डी बी क्यूब अपॉन 12, ठीक है, ये बी है हमारा और ये क्या है, डी है। तो यहाँ पे किसको काट रहा है एक्सिस, बी को काट रहा है, तो बी का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर देते हैं 72 × 48³ 3/12। अब हमको दिख रहा है इसमें दोनों आई एक्स एक्स का वैल्यू, आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और आई वाई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस में कौन छोटा है। आप पूरा कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे सीधा बता रहा हूँ। यहाँ पे आई वाई वाई जो है वो कम है आई एक्स एक्स से, क्यों, 72 जो है वो ज़्यादा होता है, उसका पावर 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा आ जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आई जो मिनिमम है वो क्या हो जाएगा, आई वाई वाई, ठीक। अब हम बस स्क्रिप्टिंग लोड के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, पी सी आर क्या है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल ई का स्क्वायर, तो हो गया पाई स्क्वायर, ई का वैल्यू है 210 × 10³, आई मिनिमम है 72 × 48³³/12 डिवाइडेड बाई एल ई है 3 × 10³ का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्रिपलिंग लोड का वैल्यू आता है 152.809 न्यूटन और 152.809 किलो न्यूटन। लेकिन हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सियल लोड निकालना है। तो सेव एक्सियल लोड क्या हो जाएगा, सेव एक्सियल लोड, सेव एक्सियल लोड क्या हो जाएगा, बकलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 152.809 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको दिया हुआ है 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50.93 किलो न्यूटन। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था क्योंकि इसमें सेक्शन हमको क्या दिया हुआ था, चेंज दिया हुआ था। तो हमारे एग्ज़ाम में बस 3 सेक्शन का न्यूमेरिकल आएगा, या तो रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया रहेगा, या तो फिर हॉलो सेक्शन दिया रहेगा, हॉलो ट्यूब, या फिर सॉलिड। ऐसे एक और न्यूमेरिकल आया था सेम इसी टाइप का न्यूमेरिकल आया था, बस उसमें डाटा चेंज था, वो भी आप कर लीजिएगा, आप अपने यूनिवर्सिटी के पेपर में देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।